हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस सिटी बुक्स। आज जो बुक आई है वो है यूपीएसआई की, जो वैकेंसी आई है उसके सॉल्व पेपर्स की है। इसमें 38 सॉल्व पेपर्स हैं, जिसमें 27 आपके ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स के हल हैं और 11 जो ऑफलाइन हुए हैं उसके हैं। अगर ऑनलाइन के देखा जाए तो 12 दिसंबर 2017 में जो पेपर्स हुए हैं उन वो और उसके अलावा ये 12 दिसंबर 2017 से लेकर 22 दिसंबर 2017 तक यूपीएसआई के जितने भी पेपर हुए हैं उनका इसमें कलेक्शन किया गया है 38 में। उसके अलावा यूपी मृतक आश्रित नागरिक पुलिस परीक्षा है, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड वन के जो दो पेपर हैं, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा 2014 का पेपर है। तो टोटल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा 1991 38 टोटल पेपर का है जो अभी जो भर्ती आई है जिसका पेपर होने वाला है। तो 38 पेपर्स रहेंगे इसमें। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो गूगल प्ले बुक्स पर यह बुक अवेलेबल आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ycitybooks.com पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी ये बुक आपको परचेज मिल सकती है। अगर बुक के कॉन्टेक्ट में देखें तो सबसे बेस्ट ये है कि 38 सेट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व किया गया है और आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए सेट बनाए गए हैं। इसमें क्या है, आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, अब किस पैटर्न में पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किए हैं यूपीएसआई के बुक्स के लिए, उसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। 1991 से लेकर अब तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिले हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें सिलेबस दिया गया है, समान हिंदी आता है, मूल संविधान, सामान्य ज्ञान हो गया, उसमें 3 पार्ट हैं, उसके बाद संख्यात्मक मानसिक योग्यता हो गई, इसके बाद आता है इसमें आपके मानसिक अभिरुचि और 2 चीज़ें हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो ये सिलेबस आपको मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से एक रिव्यू दे दे रहा हूँ सिलेबस पे। अगर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो 38 सेट जो दिए गए हैं, 38 सेट में सबसे पहले 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और यानी कि तीनों शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, 3 शिफ्ट के पेपर होते हैं, तो 3 सभी का सेट यहाँ पर दिया गया है। सारे पेपर यहाँ पर दिए गए हैं जो कवर पेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा 4 बुक जो मैंने अपलोड किए हैं वो इसके अपलोड हमने कर दिए, 1, 2, 3, 4 और ये प्रैक्टिस बुक, ये 5 बुक अपलोड हो चुकी है। ये 38 का सॉल्व पेपर अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको इंडिविजुअली कोई भी उठा के। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था, तो सेल्स शामिल हुआ था भारत के साथ फरवरी 2016 में। यहाँ का डिटेल भी दिया गया, देखिए इसमें क्वेश्चन और भी है। 4th परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS और परमाणु उपकरणों के संरक्षक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको किया गया था वाशिंगटन में किया गया था। और डिटेल कब किया गया था, 31 मार्च से 1 अप्रैल 2016 को अमेरिका के वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परमाणु निशस्त्री, परमाणु अप्रसार, आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने और उत्तर कोरिया के कारण दुनिया में पैदा हो रहे तनाव मुक्त चिंता का विषय रहा है। डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी इसमें। जो भी आपके रीजनिंग पोर्ट्स होंगे वहाँ फिगर, जहाँ फिगर की आवश्यकता है फिगर हमने दिखाया है। तो 38 सेट पर्याप्त होता है, अगर आप 1 से 2 बार भी लगा लेते हैं तो लगभग 76 सेट हो जाते हैं। और 76 सेट हल करने के बाद हमें नहीं लगता कि UPSI आपकी नहीं होगी, आराम से उसमें सलेक्शन हो जाएगा आपको। बेहतरीन ढंग से पढ़िए, एकदम मन लगा के इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमने हर क्वेश्चन के डिटेल में बता दिया है कि क्या है, कैसे क्वेश्चन क्या करना है, डिटेल क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितने अधिक से अधिक पॉइंट हो सके। जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जब 6666 को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो सेक्सफल क्या होगा,
इसके लिए इसमें डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि 6-6 16 डिजिट के तक सभी 17 संख्या विभाजित होंगे, 16 अंकों के बाद 0 होगा और क्वांटेंट ये हमेशा पुनरावृत्ति करेगा। तो 64 को ऐसे लिखा जाता है 16 × 4, 16 × 32 × 64 × 0 प्राप्त होगा, था सेसफल 0 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं जहाँ भी होगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है, जयशंकर प्रसाद छायावदयुग के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जैसे पहली कविता ग्राम हो गया, अंतिम कविता पूछ लिया सालवती हो गया, किस युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि थे, क्या थे, साहित्यकार थे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिटेल में मिल डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है, उसके साथ डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो सेट लगाते रहिए, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते रहा हूँ मैं इंडिविजुअली कोई, जैसे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पर हमने फिगर भी दिखा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे है, कौन सा क्या बनेगा और आंसर ये कैसे आया, तो सारी चीज़ें +1 +1 +1 +1 +1 +1 करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप SI की जॉब लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बुक अभी तुरंत ऑर्डर करें। थैंक यू गाइज।